हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है ब्रेक की ब्लेडिंग के ऊपर। तो मैंने अपनी गाड़ी में डुअल डिस्क सेटअप बनाया, पिछली वीडियो में आपने देख लिया है। तो इसके दौरान मेरी गाड़ी के ब्रेक सिस्टम में आ चुकी है एयर, ब्रेक लगाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो उसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, और अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। शुरू से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, अभी तो गाड़ी की मैंने पंपिंग कर दी है फुल। ये देखिए लीवर इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा, ये इतना ही ओरिजिनल में आता है। और जिन लोगों ने भी गाड़ी में डुअल डिस्क लगाए हैं केटीएम वगैरह में, उनका कहना है कि ये मास्टर सिलेंडर उस पर काम नहीं करता, ये सिंगल कैलिपर के लिए होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में डुअल कैलिपर डुअल डिस्क सेटअप है, और ये स्टॉक मास्टर सिलेंडर इसमें, और बराबर काम कर रहा है। इसका ABS भी फुल वर्किंग में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ जो है इसमें, इसकी अगर हमने ठीक तरीके से एयर निकाल दी मास्टर सिलेंडर की कैलिपर की, पूरी ब्रेक सिस्टम लाइन में कहीं भी एयर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एयर होगी तो लीवर जो हमारा स्पंजी हो जाएगा, तो ब्रेक में वो फील नहीं आएगा। तो उसी फील के लिए लोग बाग ये मास्टर सिलेंडर ही चेंज कर देते हैं, जो कि अगर हम सुपर बाइक का लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली आता है। कम से कम 8-10 हज़ार रुपये से तो इसकी स्टार्टिंग है। तो इसमें फालतू पैसा लगाने से बेहतर है हम सही तरीके से काम करेंगे तो हमें यही काम में आ जाएगा। ये देखिए आप, बिल्कुल प्रॉपर ब्रेकिंग आ रही है इसमें। तो इसको कैसे करना है, सारी वीडियो मैंने बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो आप पूरी देखिए शुरू से लेकर आखिर तक, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, भले ही आपकी सिंगल डिस्क प्लेट क्यों ना हो, अगर आपके ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है, दबाने में पूरा अंदर तक दब रहा है ये, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रिजर्वायर कैप खोलना है, और इसके स्क्रू खोलने टाइम आपको ध्यान रखना है कि स्क्रू ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। अगर इसके स्क्रू स्लिप हो गए तो इसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्क्रू ड्राइवर बड़ा हो और शार्प हो। तो ये हमने रिजर्वायर कैप खोल लिया है, और इसके ऑयल का भी हमें ध्यान रखना है, लेवल कम नहीं होना चाहिए ब्लीडिंग के दौरान। अब इस गाड़ी में दो कैलिपर लगे हैं, तो ये एक कैलिपर जो है ये उल्टा लगा हुआ है, लेफ़्ट साइड वाला कैलिपर हमने राइट में लगाया है। इसका ब्लीड वॉल्व नीचे होता है, तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ब्लीड वॉल्व जो है ऊपर की तरफ आ जाए, तभी इसमें से एयर निकलेगी। तो हम पहले कैलिपर खोल लेते हैं ये वाला, ताकि ब्लीड वॉल्व हम ऊपर कर सकें, इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे। लेफ़्ट साइड के कैलिपर में ये दिक्कत नहीं आएगी, वो लगे लगेगी इसका, उसकी ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हमें इसको कुछ इस पोजीशन पर होल्ड करना है ऊपर की तरफ, ये वॉल्व जो है ऊपर रहना चाहिए, तभी इसमें से एयर निकलेगी। और इसके गैप में हम कुछ लगा देंगे, नहीं तो पेड़ आपस में चिपक जाएंगे। तो इसको गैप को फिल करने के लिए हम कुछ इसमें लगा देते हैं। तो मेरे पास एक ये पाना पड़ा हुआ है, तो मैं ये पाना लगा देता हूँ इसमें। कुछ भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। और एक कपड़ा लगा लेते हैं ताकि शॉकर में निशान ना आए। इसको इस पोजीशन पर रखना है, लेकिन इससे पहले हम करेंगे लेफ़्ट वाले कैलिपर की ब्लीडिंग। तो इसमें मैंने पाइप लगा लिया है, और एक 8 नंबर का रिंग पाना लगा लिया है। अब हमें करना है ऊपर से प्रेशर क्रिएट करना है, और लीवर को होल्ड करके रखना है। जैसे ही प्रेशर उसमें बन जाए, लीवर दबाने के बाद ये वॉल्व को हमें खोल देना है, तो यहाँ से एयर आउट हो जाएगी ऑयल के साथ। ये देखिए आप, इसमें एयर निकली और ऑयल निकला। अब इसको वापस टाइट कर देंगे और लीवर छोड़ देंगे, फिर लीवर दबा के इसमें प्रेशर बनाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ से निकालेंगे। ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है जब तक इसमें से एयर के बबल आना बंद ना हो जाए। जैसे इसमें ब्लीडिंग कम्प्लीट हो जाएगी, एयर बबल्स आना इसमें बंद हो जाएंगे, उसके बाद एक दो बार हमें और ट्राई करना है ताकि तसल्ली हो जाए अच्छे से। तो इस तरीके से हम इसको ब्लीड कर लेंगे। ये हमारा प्राइमर कैलिपर है, जो ABS से ब्रेक लाइन हमारी आई है वो डायरेक्ट इसी कैलिपर में आई है, और फिर इस कैलिपर से हमने दूसरा कैलिपर अटैच किया है राइट साइड वाला। तो पहले हम इसकी ब्लीडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे राइट साइड वाले की ब्लीडिंग। नॉर्मली गाड़ी में एक ही कैलिपर होता है, तो एक ही कैलिपर से ब्लीडिंग हो जाएगी इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है। ये वाला वॉल्व हमें खोलना है, ऊपर से प्रेशर बनाना है, पहले हमें प्रेशर बनाना है, फिर वॉल्व खोल के यहाँ से रिलीज़ करना है, उसके बाद वॉल्व वापस टाइट करना है। तो इस तरीके से अगर आपकी गाड़ी में एक ही कैलिपर है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
मेरी गाड़ी में 2 के लीवर हैं, तो इसलिए को मैं प्रोसेस हमारे लिए बढ़ गई है। अब ये देखिए, इसमें से एयर आना बंद हो चुकी है, सिर्फ ऑयल ही ऑयल इसमें आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ। प्रेशर हमने बनाया, ये रिलीज़ किया, देखिए इसमें से कोई बबल नहीं आया। इसको वापस टाइट कर देंगे और एक बार और चेक कर लेंगे ताकि कोई चांस ना रहे एयर का। प्रेशर बनाया, ये रिलीज़ किया, देखिए इसमें से ऑयल ही ऑयल निकला है। तो ये हमारे लेफ्ट साइड की ब्लीडिंग हो चुकी है कंप्लीट। ये फाइनल हो चुका है, अब हम राइट साइड की तरफ चलेंगे। इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं और इसमें से पाइप निकाल लेते हैं और ये रिंग बाना भी हम निकाल लेते हैं। और अब चलेंगे हम राइट साइड की तरफ, वाले कैलिपर की ब्लीडिंग कर लेंगे अच्छे से। ये चीज़ तो नॉर्मल है, आप खुद जानते ही होंगे काफ़ी सारे लोग, लेकिन मैं उसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए राइट साइड की तरफ चलते हैं। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप ये मत सोचिए कि एक एक कंप्लीट हो चुका है, एक कैलिपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये राइट साइड वाला कैलिपर, इसमें हम लगा लेते हैं रिंग बाना और पाइप लगा लेते हैं। पाइप लगाना ज़रूरी है, यहाँ से हम बबल चेक नहीं कर पाएंगे, पाइप में बबल दिख जाते हैं और ऑयल भी हमारा फैलता नहीं है। और इस ऑयल के अंदर कोरोजिन होता है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी पेंटेड पैड में अगर ये लग जाएगा तो उससे पेंट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पाइप लगा देंगे। पाइप का दूसरा सिरा हम एक बॉटल में डाल देंगे ताकि ऑयल कहीं भी फैले ना। एक बॉटल में डाल देते हैं इस पाइप को। और इस काम के लिए मैंने अपने बेटे की मदद ली है, क्योंकि अकेला थोड़ा इसको शूट करना और फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए आप, और रिजर्वायर का भी हमें ध्यान रखना है, इसमें से ऑयल कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल कम हो गया तो यार इसमें वापस चली जाएगी, तो इसमें ऑयल हमें फिल करते जाना है। चलिए इसको सेट कर दिया मैंने, अब इसमें हम प्रेशर बनाएंगे और रिलीज़ करेंगे यहाँ से। आप देखना इसमें अगर बबल कितने निकलेंगे अभी। और कैलिपर को मैंने हाइट पे इसलिए रखा है ताकि एयर अच्छे से निकल जाए इसमें। इसको अगर नीचे लो करके रखेंगे तो वो चांस हो सकता है इसमें एयर रुक जाए। थोड़ी सी एयर भी अगर इसमें रुक जाएगी तो ब्रेकिंग में मज़ा नहीं आएगा, ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, वो स्पंजी फील होगा लीवर हमको। इसलिए अच्छे से हमें एयर निकालना है इसमें से। ये देखिए आप, एयर बबल निकले इसमें, अभी और निकलेंगे। हमें इसको रिपीट करना है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लेफ्ट वाले कैलिपर में किया था। जब तक इसमें बबल आना बंद ना हो जाए तब तक हम इसमें काम करते रहेंगे। प्रेशर बनाया और ये रिलीज़ किया, ये देखिए इसमें एयर बबल निकले। फिर से ट्राई करेंगे, प्रेशर बनाएंगे लीवर से, उसको होल्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे। ये देखिए आप, कितने एयर बबल इसमें निकले। तो इसको मैं जल्दी जल्दी रिप कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में ताकि टाइम हमारा बचे। काफ़ी अच्छे से हमने इसकी ब्लीडिंग कर ली है। अब जब भी इसमें से प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं तो इसमें से बबल नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑयल ही आ रहा है। और इसी तरह से हम 2-3 बार और ट्राई कर लेंगे ताकि कोई चांस ना रहे इसमें बबल का। ये देखिए आप, जब भी इसको प्रेशर हम रिलीज़ कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ऑयल ही ऑयल आ रहा। ये देखिए, इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। और सिंगल कैलिपर के लिए तो हमें खोलने की ज़रूरत नहीं, कैलिपर फिट करे करे ही हम इसकी ब्लीडिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लेफ़्ट कैलिपर में बताया था। तो ये हो चुकी है काफ़ी अच्छे से इसकी ब्लीडिंग। और इसका रिजर्व ऑयल भी हमें चेक करते रहना है बीच बीच में, ताकि जो है ऊपर से एयर ना आ जाए अंदर। ये देखिए, इसमें बीच बीच में मैंने ऑयल डालता गया, जितना ऑयल इसमें कम होता जाए इसमें डालते रहना है हमें।
अब जो है हमारा मेन कैलिपर ये है, यहाँ से हमने इसकी ब्लीडिंग की और यहीं से हमारा एक पाइप गया है दूसरे कैलिपर में। ये देखिए आप, ये मेन पाइप आया है और यहाँ से ये दूसरा पाइप गया है राइट वाले कैलिपर में। तो पहले लेफ़्ट की, फिर उसके बाद हमने राइट की कर ली है ब्लीडिंग इस पाइप के थ्रू, इसमें लगाई है। और इसको हाइट पे इसलिए रखा है मैंने ताकि इसमें एयर के चांस ना रहे। अब हम इसका पाइप निकाल लेते हैं और इसके अलावा हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग करते हैं, तभी वो ब्रेक से अपने परेशान रहते हैं। और कहाँ से हमें इसकी एयर निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि ज़रूरी है। देखिए ये वाला जो बेंजो बोल्ट है, इसको लूज़ करके हम यहाँ से प्रेशर निकालेंगे एयर का, और इसी तरीके से राइट वाले कैलिपर में से भी निकालेंगे और मास्टर सिलेंडर में से भी निकालेंगे। जैसे हमने पहले एयर निकाली उसी तरीके से लीवर को दबा दबा के इसमें प्रेशर बनाएंगे और होल्ड करके बोल्ट लूज़ कर देंगे, तो वहाँ से एयर और ऑयल निकलेगा, उसको वापस टाइट कर देंगे। तो तीनों बोल्ट में से हमें प्रेशर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइमर कैलिपर से शुरू करेंगे, और इसके लिए हम अच्छे से कपड़े से कवर कर लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है कैलिपर पे ना फैले। और ये वाला जो बोल्ट लगाया है इसमें स्पेशल बेंजो बोल्ट है, इसमें दो पाइप अटैच है। नॉर्मली सिंगल कैलिपर होता है और सिंगल पाइप लगा होता है, मगर हमने अपनी गाड़ी में डबल कैलिपर लगाए हैं, डबल डिस्क लगाए हैं। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इसको रिलीज़ कर लेते हैं। अब इसमें से एयर निकलेगी या नहीं ये हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इसमें से कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हम अंदाज़ से ही काम करेंगे। अगर एयर होगी तो निकल जाएगी और नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है। तो 2 से 3 बार हमें सारे बोल्ट पे चेक करना है। ये देखिए एक बार हमने ट्राई कर लिया, इस पर एक बार और ट्राई करेंगे ताकि इसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं एयर होगी तो निकल जाएगी, और अगर ज़रा सी भी एयर हमने किसी भी अपने पूरे सिस्टम में छोड़ दी तो ब्रेकिंग में हमें मज़ा नहीं आएगा। एक बार वो प्रेशर बनाया हमने और यहाँ से रिलीज़ करेंगे, वापस टाइट कर देंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का कैलिपर हो चुका है कंप्लीट। अब इसी तरीके से हमें राइट साइड वाले कैलिपर की भी एयर निकालना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से अपनी ब्लीडिंग करेंगे कैलिपर की ब्रेक की, तो 100% आप सही तरीके से ब्लीडिंग कर पाएंगे। इसमें ऑयल कम हो चुका है तो हम इसमें थोड़ा ऑयल फिल कर देते हैं। और एक चीज़ और, ऑयल में छोटा सा होल करना है हमें ऑयल की बोतल में, ताकि एकदम प्रेशर से ऑयल ना गिर जाए इधर उधर। तो इसको हमने फिल कर लिया, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको कपड़े से ज़रूर कवर करके रखें पूरी गाड़ी को, ताकि ऑयल कहीं ना गिरे ना। अब हम ये वाले कैलिपर की भी एयर निकाल लेते हैं बेंजो बोल्ट से, इसको अच्छे से कवर करके। यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, लीवर को 2-3 बार दबा के इसको होल्ड करेंगे और यहाँ से प्रेशर रिलीज़ कर देना है। ये देखिए इसमें ऑयल और एयर दोनों निकल जाएंगी। इसी तरीके से एक बार और रिपीट करेंगे इसे, ताकि एयर का कोई चांस ना रहे। प्रेशर बनाया हमने और यहाँ से रिलीज़ कर दिया, अब इसको वापस टाइट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, टाइट करने से पहले हमें लीवर नहीं छोड़ना। अब मास्टर सिलेंडर की बारी है, इसको भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं कपड़े से, क्योंकि जब इसको लूज़ करेंगे तो इसमें से ऑयल फेंकेगा और हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी का पेंट ख़राब हो। तो अच्छी तरीके से इसको कपड़ा लगा देंगे दोनों तरफ आगे पीछे, कुछ इस तरीके से। ये काम ख़त्म होने के बाद हम गाड़ी को वॉश कर लेंगे, ताकि शैम्पू से वॉश करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत भी ऑयल अगर कहीं रह गया हो तो निकल जाएगा। ये देखिए पाना लगाया हमने, इसमें हमें प्रेशर बनाना है, वो पूरी ताकत से लीवर को दबा के रखना है। ये देखिए जैसे ही हम बोल्ट लूज़ कराएंगे एकदम से इसमें से प्रेशर निकलेगा। इसमें चांस होते हैं ज़्यादातर मास्टर सिलेंडर में कि एयर रुक जाती है कोने कोने में, जो निकल नहीं पाती, और मास्टर सिलेंडर ऊपर होता है कैलिपर नीचे होता है, तो मास्टर सिलेंडर में जो एयर है वो हम कैलिपर से नहीं निकाल सकते। तो अब हम कैलिपर को फिट कर लेते हैं कंप्लीट, ब्लीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको फिट कर लेंगे। और पाइप को थोड़ा सा मैंने तिरछा करके रखा था, बोल्ट लगाने की दिक्कत आती है, तो
कैलिपर टाइट करने के बाद हम पाइप को सीधा कर लेंगे ब्रेक लाइन को, तो जल्दी फटाफट इसको फिट कर लेते हैं। कैलिपर हमने लगा दिया है, अब इसको अच्छे से टाइट कर देंगे हम रिंग पाने से। इसको टाइट कर लेते हैं ठीक से। इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए हमें, क्योंकि ये एल्युमिनियम की थ्रेडें होती हैं, स्लिप हो सकती हैं। ये ब्रेक लाइन को भी हम सेट कर लेते हैं बेंजो बोल्ट हल्का सा लूज़ करके बस, और इसको टाइट कर लेते हैं ठीक से। सारे बेंजो बोल्ट, जो ऊपर वाला बेंजो बोल्ट है और दोनों कैलिपर के, इनको अच्छे तरीके से हमें चेक करना है टाइट रहें, कहीं से लीकेज ना हो। काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, इस कंटेनर को फुल भर देते हैं, तो हमें इसको फुल नहीं भरना और खाली भी नहीं रखना, इसको बीच में रखना है, जिससे पिस्टन जो है जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं और हमारा व्हील जाम नहीं होता। तो इसका ध्यान रखना, इसको फुल नहीं भरना। चलिए इसको फिट कर देते हैं। बाइक की ब्लीडिंग हमने कर दी कंप्लीट, दोनों कैलिपर से हमने एयर निकाल दी, मास्टर सिलेंडर से भी हमने यहाँ से एयर निकाल दी, और ब्रेकिंग हमारी काफ़ी हद तक आ चुकी है। अब इसको और परफेक्ट बनाने के लिए, इसमें अगर बाई चांस कुछ एयर रह गई हो तो इसके लिए मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। केबल टाई को हमें इसमें लीवर में बांधना है, ये इसको होल्ड करके रख ले, और रात भर इसको हम छोड़ देंगे, सुबह फिर इसको रिलीज़ कर देंगे, तो ये अपना और अच्छा इसमें प्रेशर बन जाएगा। पता नहीं ये कैसे होता है, बहुत सारी रिसर्च इस पर हुई है, शायद इसमें दबाने से प्रेशर का जो थोड़ा बहुत भी मॉलिक्यूल बचते होंगे एयर के, वो निकल के मास्टर सिलेंडर में आ जाते हैं, ऐसे एक रिसर्च में बताया था, लेकिन 100% वो भी श्योर नहीं है। खैर हमें क्या लेना उससे, हमें अपने काम से मतलब है, तो हम इसको बांध देते हैं रात भर के लिए, फिर देखेंगे सुबह कुछ फ़र्क आया कि नहीं आया। अभी देखिए यहाँ तक लीवर जा रहा है, ये यहाँ पर फुल टाइट हो रहा है, ये बाकी सुबह देखेंगे। तो चलिए इसको बांध देता हूँ। ये हमने बांध दिया, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, एक नॉर्मली जितना इजी खिंच जाए ये बस। इसको छोड़ देते हैं रात भर के लिए, करीब 10-12 घंटे। अभी टाइम हो रहा है 7:45, तो छोड़ देंगे सुबह तक, देखेंगे फिर सुबह क्या होता है, बाकी फिर आपको बताता हूँ। सारी रात से बंधा हुआ है, काफ़ी टाइम इसको हो चुका है बंधे बंधे, अगला दिन हो चुका है हमारा और टाइम हो रहा है 12:10, तो करीब 16 घंटे इसको हो चुके हैं बंधे हुए। अब इसको हम खोल के चेक करते हैं क्या इसमें फ़र्क पड़ा है। चलिए इसको मैंने खोल लिया है और देखेंगे लीवर दबा के इसमें कितना फ़र्क हमें मिला है। और यकीन नहीं आ रहा आपको, देखिए कितना फ़र्क इसमें पड़ गया है, लीवर बिल्कुल टाइट हो गया, पहले काफ़ी अंदर तक ये दब रहा था लेकिन अब यहीं पर जाम हो जा रहा है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त काम हो गया। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई दिक्कत, एक ब्रेक की अगर स्पंजी है, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, मैजिक से कम नहीं है ये। देखिए अब डबल डिस्क होने के बाद भी लीवर बिल्कुल अंदर नहीं आ रहा, तो देखा आपने किस तरीके से हमने इसमें काम किया, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी A to Z। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस सारे काम में हेल्प किया हमारे बेटे ने, इधर आतिफ, ये मेरा बेटा आतिफ, हेलो करो। हेलो, थोड़ी वीडियो के बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा। कौन सी गाड़ी चलाओगे, ये वाली? अभी नहीं बेटा, अभी तुम बड़े हो जाओ फिर चलाना है। इसको भी काफ़ी शौक है मेरी तरह बाइक का, खैर अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा जब चला लेगा। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।